हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्सिन के और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी का अभी लॉन्च हुआ X43 के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा 4K स्मार्ट टीवी है। और दोस्तों इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या नया स्पेक्स दिया गया है और ये जो प्राइस रखा गया है उसका उसके हिसाब से कितना जस्टिफाइड है ये स्मार्ट टीवी, उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बिना स्किप किए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और टेक्सिन फैमिली में जुड़ जाइए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समय Thank you watching Dick Fiend. Let's get started. ये जो Redmi X43 स्मार्ट टीवी है, इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 4K रिजोल्यूशन तो मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता है, Dolby Vision का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस जो दिया गया है वो इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। 300 nits का ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं कहूंगा। लेकिन जब आप HDR 10 प्लस का एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं तब ये 300 nits का ब्राइटनेस थोड़ा बहुत कम पड़ सकता है मेरे हिसाब से। मिनिमम एक 400 nits का ब्राइटनेस तो होना चाहिए था। तो दोस्तों अगर दूसरे फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको विविड पिक्चर इंजन का टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत एनहांस कर लेता है अपना पिक्चर क्वालिटी को, और कलर मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिलता है इस विविड पिक्चर इंजन के मदद से। तो दोस्तों डिस्प्ले ओवरऑल दोस्तों एवरेज ही कहूंगा, इतना बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं होने वाला है इस Redmi X43 के डिस्प्ले से। दोस्तों ऑडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 30 watt का ऑडियो आउटपुट देखने को मिलता है, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है दोस्तों, DTS वर्चुअल X भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जो दोस्तों बहुत ही अच्छे से सराउंड साउंड क्रिएट करता है। तो ऑडियो के मामले में ओवरऑल अच्छा मैं कहूंगा दोस्तों। अगर आप अपने बेडरूम के लिए टीवी लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस इसमें से मिलने वाला है। अगर हॉल में आप लगाएंगे तो आपको एक्सटर्नल वूफर या फिर साउंड बार वगैरह लेना पड़ सकता है। दोस्तों फिलहाल आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहां पे आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है दोस्तों A55 का, जो कि अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से प्रोसेसिंग कर लेता है ये। और यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10 का मिलता है, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं कहूंगा। लेकिन एंड्रॉइड 11 होता तो थोड़ा अच्छा होता। ये लेटेस्ट टीवी है दोस्तों, अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो अभी अभी आया है तो एंड्रॉइड 11 आना चाहिए था ना, एंड्रॉइड 10 क्यों? हालांकि इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11 के अंदर, लेकिन लेटेस्ट टीवी है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देना चाहिए था। तो दोस्तों अभी फिलहाल ग्राफिक प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको माली G52 का MP2 GPU देखने को मिलता है, जिसमें आप थोड़ा बहुत गेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 2 GB का RAM दिया गया है दोस्तों, 16 GB का इंटरनल मेमोरी के साथ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको पैचुअल 4.0 देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देता है दोस्तों। आपका जो टीवी का डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छी तरह से कस्टमाइज हो जाता है इसी पैचुअल 4.0 के साथ, जो कि अच्छी बात है, रेडमी का है, अच्छा है दोस्तों। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है, बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी दोस्तों आ जाता है, सभी तरह से नेसेसरी पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और दोस्तों रिमोट के बारे में बात करें तो बहुत ही स्लिक रिमोट दोस्तों दिया गया है, सभी तरह से हॉटकीज दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब का। और दोस्तों एक एडिशनल फीचर दिया गया है जिसको रेडमी बोलता है कि स्मार्ट म्यूट बटन, जो कि म्यूट बटन फिलहाल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो वॉल्यूम डाउन बटन है अगर आप उसको 2 बार प्रेस करेंगे तो वो म्यूट हो जाएगा। अच्छा है, इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है दोस्तों, लेकिन अच्छा मैं बोलूंगा। तो दोस्तों एंड में आता है इसका प्राइस। इसका जो प्राइस फिलहाल रखा गया है वो है 28,999 rupees, यानी कि 29,000 में आपके लिए ये स्मार्ट टीवी लेना चाहिए नहीं, मैं बोलूंगा दोस्तों एवरेज है। रेडमी का ब्रांड है दोस्तों, अच्छा स्मार्ट टीवी देता है रेडमी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से जितना इसमें फीचर होना चाहिए था उतना नहीं है। फीचर क्या, इसमें जो मेन चीज होता है टीवी का वो है पिक्चर क्वालिटी। इसमें आपको बहुत ही अच्छा, मतलब अप टू द मार्क पिक्चर क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये फिलहाल एक एवरेज टीवी में बोलूंगा, इतना अच्छा नहीं कि बुरा तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो फिलहाल ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये स्मार्ट टीवी कैसा लगा Redmi X43, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टेक्सिन को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। बहुत ही लंबा बनाना है दोस्तों, बहुत ही बड़ा बनाना है हमारे फैमिली को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों मिलते हैं टेक्सिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।